नमस्कार, आप सभी जी के दर्शकों का इस खास प्रोग्राम जिंदगी आजकल में स्वागत है। मैं हूं ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंगशुई मास्टर। तो आज है रविवार, तो रविवार वाले दिन कैसा रहेगा आप सभी का दिन, तो चलिए जानते हैं आपके सन साइन से जो आपकी राशि बनती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो मैं निकालती हूँ आज आपके कार्ड्स और आप देखिए आपकी क्या बनती है सन साइन। और सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालती हूँ एरिस, टॉरस और जेमिनी के लिए। तो एरिस के लिए कार्ड निकल कर आया है एस ऑफ वॉन्ट्स का। तो एस ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड कहता है मेष राशि के लिए आज नई चीज की शुरुआत हो सकती है, नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, एक नई क्रिएटिव एनर्जी आपके अंदर नजर आती है। तो आज के दिन किसी नई चीज की शुरुआत करने के लिए काफी अच्छा दिन है, फ्रेंडशिप के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। तो आज के दिन आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल कर आता है वो है फूल कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आज आप बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस रह सकते हैं, रिस्क लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ ये है कि आपको आज कोई समझा भी देना कि आप रिस्क मत लो और थोड़ा संभल के चलो, ये चीज आपके लिए अच्छी नहीं है, आप ये मत करो, मतलब किसी की बात तो सुननी नहीं है। आज आप बिल्कुल रिस्क टेकिंग मूड में हैं और कई बार क्या होता है ना, रिस्क लेने से फायदा भी हो जाता है। तो आज आप लीजिए रिस्क, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं या फिर नॉन कैलकुलेटेड, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन आज आप बिल्कुल एडवेंचरस हैं और जैसे टीनेजर्स की तरह एक प्यार भी पड़ते हैं ना, ऐसा भी लव रोमांस इंडिकेटेड है टॉरस के लिए। और जेमिनी की बात करते हैं तो जेमिनी के लिए निकल कर आता है ये कार्ड। जेमिनी के लिए निकल कर आता है फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कहता है कि पास से जुड़ी हुई ग्रजेस कुछ आपने पाली हुई है और उन्हीं को आप बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और ये ग्रजेस जो है ना, ये आपको मूव ऑन नहीं करने दे रही। तो आपका ये बोल रहे हैं पास बैगेजेस को रिलीज करने का टाइम आ गया है। फाइनेंसिस तो वैसे अच्छे रहेंगे आपके, लेकिन बस पास्ट बैगेजेस हैं जिनकी वजह से थोड़े से आप अपसेट रह सकते हैं। चलिए अगली राशि का रुख करते हैं। अब हम बात करते हैं ये कैंसर का कार्ड निकला, ये लियो का निकला और ये कार्ड निकला वर्गो का। तो कर्क राशि के लिए निकल कर आया है ये कार्ड। कर्क राशि का निकला है ये कार्ड है द डेथ कार्ड। तो डेथ कार्ड ये बताता है कि आज आपको हो सकता है एक टेस्टिंग पीरियड से गुजरना पड़े, आज आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी किसी चीज़ से उभरने में। ये कार्ड ये भी बताता है कि आज आप ये सोच सकते हैं कि अब आपको खुद अपने आप को बदलना होगा। ये बदलाव का ही कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। जब भी ये कार्ड आएगा या तो ये इंडिकेट करेगा बहुत ही ज़्यादा बैड हेल्थ या फिर ट्रांसफॉर्मेशन, पर मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि आज जो कर्क राशि वाले हैं वो आज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही ज़्यादा उनका कार्ड निकल कर आया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ही नज़र आता है मुझे आपका, तो बैड हेल्थ का कार्ड नहीं है। तो अब मैं अगली राशि का रुख करती हूँ। तो अगली राशि है लियो। तो लियो के लिए निकला है ये कार्ड फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप लोगों को अपने हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आज आपको आराम करना चाहिए। वैसे भी देखिए संडे है, संडे वाले दिन आप ब्रेक लीजिए, आराम कीजिए, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब वीक फील कर रहे हैं साइड से, अगर तो आपको रेस्ट लेने की जरूरत है। एग्जर्शन आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि आपको सिकनेस हो सकती है। ये कार्ड एक डॉक्टर विजिट भी दिखाता है। कई बार क्या होता है ना, डॉक्टर विजिट किसी दूसरे के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये कार्ड कुछ ये भी बताता है डॉक्टर विजिट चाहे किसी सफर कर सकती है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए निकला है ये कार्ड, ये ब्लेम गेम का कार्ड है। आज आप हर बात के लिए किसी दूसरे पर ही अपनी जो है ना ब्लेम करते रहेंगे कि इसने मेरा साथ नहीं दिया, दूसरे ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं ये कर सकती थी या मैं ये कर सकता था। आज आपका दिन इन्हीं चीज़ों पे शिकायतों में निकलने वाला है, शिकायत ही नहीं खत्म होने वाले हैं आपके। तो मैं कहूँगी कभी कभी ना दूसरों को ब्लेम करने की बजाय ना हमें खुद ऑनरशिप लेनी चाहिए कि हमारा जो प्रेजेंट है ना ये हमारी वजह से है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम बहुत ही अच्छे फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हम वहां से एक नया स्टेप लेते हैं एक बेटरमेंट की तरफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगली राशि का रुख करते हैं। तो अब मैं कार्ड निकालती हूँ लिब्रा के लिए,
स्कॉर्पियो के लिए और सेजिटेरियस के लिए। तो सबसे पहले लिब्रा का कार्ड निकाला, लिब्रा का कार्ड निकल कर आया है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस का कार्ड एक चीज़ तो इंडिकेशन देता है, किसी लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो लीगल मैटर आपके फेवर में जाएगा। दूसरी बात ये, अगर आप कहीं पर किसी के साथ कॉम्पिटिशन में है और आपको किसी के अगेंस्ट इवेल्युएट किया जा रहा है तो वो भी आपके फेवर में जाएगा। तो आज का दिन आपको जस्टिस मिलती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं अगली राशि की, स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो का कार्ड निकल कर आया है नाइन ऑफ हार्ट्स का कार्ड। नाइन ऑफ हार्ट्स का कार्ड आपको खुशियां देता है, हैप्पीनेस देता है और लव रिलेशनशिप में सक्सेस भी देता है। और एक कोई नया व्यक्ति भी आपके जीवन में आ सकता है अगर आप सिंगल हैं या फिर आप मतलब आप अभी भी किसी ब्रेकअप से उभर कर आए हैं, तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि कोई नया व्यक्ति आपको सरप्राइज कर सकता है और आपको जैसे बोलते हैं ना कि स्वेप्ट यू ऑफ योर फीट जैसी फीलिंग आपको आ सकती है कि अचानक कोई आपके जीवन में आ गया, ऐसा हो सकता है। अब अगली राशि का रुख करते हैं। तो अब सैजिटेरियस की बात की जाए तो सैजिटेरियस के लिए निकल कर आया है ये कार्ड। ये है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये काफ़ी ज़्यादा भौतिक सुखों से आपका दिन भर देता है। आज बहुत इंजॉय करेंगे, आज आप मटेरियल सुखों की तरफ ही फोकस्ड होंगे। आज आप अपने गैजेट्स के साथ हैप्पीनेस शेयर करेंगे, मतलब गैजेट्स में इन्वॉल्व रहेंगे या हो सकता है शॉपिंग करें और खैर पैसा भी कमाएंगे, मतलब इनकम हो सकता है काफ़ी अच्छी हो। आज का दिन मटेरियल गेंस के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप आज बहुत लैविशली अपना दिन स्पेंड करना चाहेंगे ऐसा लगता है। चलिए अब बाकी तीन राशियों की बात की जाए तो अब मैं कार्ड निकालती हूँ कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस के लिए। तो कैप्रिकॉन के लिए निकल कर आया है ये कार्ड फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कि आज आप थोड़े से रेस्टलेस रह सकते हो, उतावलापन रह सकता है, एंग्जाइटी से भरा हुआ आपका दिन हो सकता है। आपको थोड़ा सा ना अपने आप को लॉन्ग डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए और जितना हो सके अपने आप को योगा प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए। ये कार्ड बताता है कि आपकी रेस्टलेस एनर्जीज और एंगर मैनेजमेंट एक इशू हो सकता है आपके लिए, बिकॉज वैसे भी आपकी राशि जो है ना शनि की राशि है, तो थोड़ा सा आप एंगर इश्यूज आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एकदम इंपल्सिव बिहेवियर होता है आप लोगों का, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है इस तरफ। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए निकला है ये कार्ड। कुंभ राशि का एक ऐसी स्थिति दिखाता है ये कार्ड टू ऑफ स्वॉर्ड्स का, जहां पर आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आ रहा, जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, कल जैसा था आज भी वैसा ही नजर आ रहा है, आपको कुछ आगे नजर भी नहीं आ रहा कि आगे कुछ चेंज होगा दूर दूर तक। आज मतलब इस कार्ड में तो ऐसा ही लग रहा है कि आज के दिन आपकी मानसिक स्थिति भी ऐसी है कि शायद कुछ ना बदले, ऐसा मुझे दिख रहा है आपके लिए। तो अब पाइसिस की बात की जाए मीन राशि की, तो मीन राशि के लिए आज निकल कर आया है टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक अच्छा कार्ड है जो बताता है दो दिन और लगेंगे या दो हफ्ते या दो महीने और आपको एक अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है और ये सरप्राइज एक हैप्पी सरप्राइज होगा। ये कार्ड बताता है किसी मंक, किसी सन्यासी या किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि धार्मिक रूप से इंक्लाइंड हो, ऐसे व्यक्ति से मिलना, उसका आशीर्वाद लेना आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो ये आप सभी राशियों का आज का फोकस था। तो चलिए जाते जाते मैं आपको एक मंत्र बताती हुई जाती हूँ। आप अगर चाहते हैं कि आपको अपने आसपास की जो एनर्जीज हैं उनको बेटर करना है और उस एनर्जीज को बेटर करने के लिए, तो आप मंत्र ओम मणि पद्मे हुम का आप जाप कर सकते हैं। ओम मणि पद्मे हुम आपके आसपास कंपैशन एनर्जीज को जनरेट करता है और जब भी आप ओम मणि पद्मे हुम मंत्र का जाप करें तो आप हमेशा अपनी आंखों को बंद करके पूरे विश्व के बारे में सोचें। और कई बार जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो हो सकता है आपको वो लोग नजर आए जो लोग काफ़ी परेशानी में हों, तो आप समझ के चलिए कि ये मंत्र उन्हीं को डेडिकेट हो रहा है। और तो आप मंत्र का जाप जब बंद करेंगे तो आप इसको हाथ जोड़कर डेडिकेट कीजिए उन लोगों को जिनको शांति की और एकदम कल्याण की आवश्यकता हो। तो ओम मणि पद्मे हुम एक ऐसा मंत्र है जो आपके आसपास पॉजिटिविटी भर देता है। तो ओम मणि पद्मे हुम आपके जीवन में सुख शांति हो, कंपैशन एनर्जी हो। तो इसी मैसेज के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, अगले शो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।